बालाघाट नक्सलाइट एनकाउंटर में मारे गए दो इनामी नक्सलियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस जवानों को बधाई दी है। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा है कि 29 लाख रुपए के इनामी डिवीजनल कमांडर को मारा जाना अपने आप में ही बड़ी उपलब्धि है, वहीं दूसरा 14 लाख के इनामी नक्सलाइट को मारने से ये मध्य प्रदेश पुलिस की सजगता को बताता है। मैं अपने पुलिस बल को बधाई देना चाहूँगा जिनने नक्सलाइट के दो एनकाउंटर में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की और ख़ास करके ये जो बड़ी घटना हुई है जिसमें 29 लाख की इनामी डिविजनल कमांडर को मारा जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी प्रकार से 14 लाख का दूसरा इनामी नक्सलाइट मारना, ये हमारी पुलिस की सजगता बताता है। मैं अपनी ओर से बालाघाट के जिला पुलिस बल से सभी आर्क फोर्स के जवानों को बधाई देना चाहूँगा। आपकी इसी मुस्तैदी के कारण से हमारे अपने इस क्षेत्र में पुलिस की अपनी एक अलग साख बनी है। मध्य प्रदेश की सरकार को आप पे गर्व है और उम्मीद करेंगे कि नक्सलवादी किसी मोमेंट को हम कभी भी पनपने नहीं देंगे। मैं लगभग 3 महीने पहले सरकार बनने के तीसरे दिन एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था और जो AK-47 मिली है, ये तो 25 साल बाद किसी नक्सलवादी से हमने बड़ा हथियार बरामद किया है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना जब भी हो तो जिन बल के जवानों ने अपनी शौर्य बहादुरी दिखाई है उनके लिए सरकार खड़ी है, उनके सभी प्रकार के बारे में सरकार विचार करेगी। मेरा पूरा समर्थन उनके साथ है, उनका प्रमोशन से लेकर सारे मामलों में, और यही चीज़ें हमको जनता में विश्वास बढ़ाने की तरफ ले जाती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। ग्रामीण भारत टीवी के लिए जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।